हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो सुबह होते ही ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ, चाय वाय पी, तो भैया लाए थे आज बाहर से बड़ा पाव और इडली लाए थे, बड़ा पाव लाए थे। मतलब जितना भी अहमदनगर का शहर में ब्रेकफास्ट में मिलता है वो फेमस चीज़ें जो थी वो सारी चीज़ें लेके आए थे। और फिर उसके बाद हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया और फिर उसके बाद ये मैं शिपू को झूला झुला रही थी। भैया ने शिपू के लिए स्पेशल झूला लगवाया था, बच्चों के, सभी बच्चों के लिए लगवाया था। तो बच्चे झूला बड़ा इन्जॉय करते हैं। और जब हम लोग घर आए थे उसके नेक्स्ट, मतलब रात हो गई थी, तो किसी क्या कोई किसका क्या वेलकम करता, तो मॉर्निंग में ये हम लोग ने, मतलब हम लोग का वेलकम किया गया। और ये भैया के बंगलों में हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, भैया ने इसलिए ये वेलकम करवाया हम लोगों का। और उसके बाद हमने केक खिलाया सभी को। और उसके बाद शाम को भी मैंने बोला कहीं घूमने चलते हैं, तो भी लेके गए चौप पार्टी, अहमदनगर की जो चौप पार्टी है, वहाँ लेके गए। यहाँ पे यमी यमी खाना मिलता है, यमी यमी फास्ट फूड मिलता है, जिसको हम लोग तो वैसे भी फास्ट फूड के स्पेशली मैं बहुत दीवानी हूँ, मतलब कि हाँ। तो फिर हम निकलते हैं चौपाटी के लिए। और ये मेरा शिबू भी रेडी हो गया। वैसे अहमदनगर में सर्दी बिल्कुल नहीं पड़ती है और अभी भी बिल्कुल भी नहीं है, मॉर्निंग में तो बिल्कुल नहीं रहती है, शाम को भी नहीं रहती है। पर फिर भी मैंने शिबू को थोड़ा फुल कपड़े पहनाए हैं और बाकी सब ये हीरो हीरोइन बन के जा रहे हैं। और ये दीपा के दोनों बच्चे भी हीरो हीरोइन बन के जा रहे हैं, इन्होंने भी कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाए हैं क्योंकि इन लोग को बहुत गर्मी लग रही थी। बट स्टिल मैंने शिबू को पहना दिए कि बच्चा है, कहीं उसको जुकाम उखाम ना हो जाए। और हम लोग इससे पहले, चौपाटी जाने से पहले हम लोग गए डेंटल क्लिनिक, क्योंकि दीपा के दांत में हो रखा होता है, क्योंकि उसके दांतों में लगते हैं कीड़े। और ये लोग जब तक डेंटल क्लिनिक पे गए तब तक भैया हम लोगों को ये टिक्की खिलाने के लिए लेके आए। और ये फेमस टिक्की है अहमदनगर की, जो कि इसका मजा मैंने, भैया ने, गुट्टू, पिट्टू और मेरे शिबू ने उठाया, क्योंकि दीपा के दांतों पे कीड़ा लग गया, वो दांतों को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गई है। और बेटू भी साथ में गया है तो वो इस मजे से वंचित हो गया है। तो फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि कब ये आए, कब आए, कब आए। और इंतज़ार करते करते मेरा शिबू तो खेलते खेलते, वो तो उसने एक नींद भी ले ली थी। और उसके बाद और ये शिबू डुगू खेल रहे थे आपस में। और गाइस, मैंने ना गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो गई तो मैंने नेल पेंट भी गाड़ी में लगा ली। और फिर उसके पास पहुँचते हैं हम लोग चौपाटी। तो चलिए आपको अहमदनगर की चौपाटी में लेके चलते हैं। और ये मेरा सूखी भी होती है और वो बड़े मस्ती करता है। वो मेरा तो इसे बालों वालों को सब पकड़ के खींचता रहता है। ये लोग मेरे शिबू ने एक नींद और ले ली। कोई का घूमना फिरना खाना पीना चलता रहे पर शिबू की अपनी नींद चलती रहती है। और ये पहुंच गए हम यहाँ के चौपाटी के डोसा खाने के लिए। ये है योगी राज का डोसा, जो कि बहुत ही फ्लफी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है। आपने इसमें कड़क डोसा खाया होगा पर ये स्पंजी डोसा नहीं खाया होगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। इसमें काफ़ी सारा तो घर का बना हुआ मक्खन डालते हैं और भी कुछ चीज़ें खाई मैंने, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग घर चलते हैं। भाभी जब आई थी तो वो स्कूटी से आई थी, जिनको कहीं जाना था। और फिर जाते वक्त ये स्कूटी से जा रहे हैं और भाभी ड्राइव करके जा रही थी। बच्चों का बहुत मन था कि मामी ड्राइव करें और फिर मामा और मामी में वो रेस करवा रहे थे कि कौन जीतता है, कौन आता है। फाइनली मामा जीतते हैं। मामा को क्रॉस करेंगे, मामा को बाय बाय मामा। मामा के रूप में नहीं मारते, मामा और स्पीड बढ़ाएंगे। मेरे से आगे कोई निकल जाओ।
मामा को हराना है कि जिताना है? मुझे मामा को हराना है। जिका की रेस हो रही है हम दोनों की, एक कार का हम लाते वो ही जीतेगी। हाँ मामा क्या की तेरे शांत रहे तो कैसे जीतेंगे? अरे मामा जीतेंगे तो अच्छा लगेगा ना। शिबू कौन जीतेगा? मामा की मामी शिबू कह रहा मैं जिस गाड़ी में बैठा वो जीतेगा। वो तो मैं भी कह रही थी। हार गए फिर, हार गए मामा। शिबू अलग खुश हो रहा है। और फाइनली ये पहुंच गए हम भैया के बंगलो में। और गाइस आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताना जरूर कमेंट में। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और कमेंट में बताते रहे। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सब बख़ैर। क्या हम भी ना